बार आग लगी बिल्डिंग की। कैसे सर? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस भी देख रहे हैं जॉनी लीवर बना हुआ है। क्या आपने पहले इस मकान में जो इसका कमर्शियल प्रयोग हो रहा है उसकी शिकायत की थी? कहां कहां शिकायत की थी? एलडीए में किया हूं, थाने पे किया हूं, 100 डायल पे भी किया। कब की आपने शिकायत इसकी? ये एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाएंगे, 15 दिन पहले, एक महीना पहले और एक बार डेढ़ महीना पहले। जी, उसके बाद कोई कार्यवाही की गई जिला प्रशासन? एक बार प्रशासन आई थी रुकवाने के लिए, एक दो दिन रुका, फिर काम शुरू हो गया। वो अशोक पांडे नाम है, बीजेपी जी बीजेपी में नेता हैं, वो रेगुलर गुंडागर्दी हम लोग का साथ करते रहे। अच्छा। जिसका परिणाम आज हम लोग भोग रहे हैं। कभी झगड़ा भी किया उन्होंने आपसे? कई बार। अच्छा, तो झगड़े की भी शिकायत की होगी आपने? हाँ, शिकायत है। तो क्या कई आप मानते हैं कि भाजपा की नेता नगरी के चलते ही ये घटना हुई है? अब ये कह नहीं सकता हूँ कि क्या है। कितने बजे हुई ये घटना और क्या रही? ये लगभग 2:30 बजे की बात है। जी, 2:30 बजे की बात है, 2:30 से 2:45 के बीच की बात है। अब टाइम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट हम लोग अंदर बैठे हुए थे, अचानक से जो है पड़ पड़ तड़ तड़ की आवाज़ आई है और लाइट चली गई। जैसी आवाज़ आई वैसी लाइट चली गई। हम लोग बाहर भागे हैं तो बाहर बिल्कुल धूल का पूरा धुआं धुआं धुआं, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या है। ठीक है, उसके बाद हमको लगा शायद उनके आगे का जो बारजा बनाया था वो गिर गया है। ठीक है, उसके बाद जब धूल खत्म हुई और हम लोग बाहर निकले हैं तो ये गिर चुका था पूरा का पूरा। उसी के बीच शॉर्ट सर्किट से आपके आग लगे? उसी के बीच हम लोग बाहर आए हैं तो हम लोग अंदर की आग, मतलब जो हम लोग का कमरा था, मतलब आगे का जो रिसेप्शन था उसमें जितने भी, मतलब। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है जो गिरी है ये कॉमर्शियल है कि प्राइवेट? ये रेजिडेंशियल है बट ये कॉमर्शियल बना रहे थे इसको विदाउट परमिशन। अच्छा, इसकी शिकायत की कभी किसी ने? शिकायत की गई है एलडीए में। अच्छा, एप्लीकेशन भी दी गई है बट इसका कोई इनके ऊपर असर नहीं पड़ा। अच्छा, ये भाजपा के कोई नेता हैं? जी हाँ। क्या नाम है इनका? साथी में रूम पार्टी था, बसों को रूम कराया जी। तो मौके पे पहुँचने के बाद देखा गया कि बिल्डिंग कोलैप्स की गई है। उस बिल्डिंग में आग तो नहीं थी लेकिन उसके बगल की जो बिल्डिंग है जिसका नंबर 5:20 है उसमें आग थी जिसको बुझा लिया गया। उसमें एक महिला, ओल्ड महिला फंसी हुई थी जिनको रेस्क्यू भी किया। सर, क्या मुझे जानकारी मिली मौके पर पहुँचने के बाद, कारण क्या था आग लगने का और किस वजह से आग लगी थी? आग तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि बिल्डिंग एक बगल की बिल्डिंग कोलैप्स की हुई है तो इसकी संभावना हो सकती है कि जो वायर उसके अगल बगल से जा रहे हैं वायरों में साथ सर्किट हुआ उसकी वजह से आग लगने की संभावना। किसकी बिल्डिंग है क्या ये पता चला? कोई मिस्टर अशोक त्रिपाठी जी हैं जिनकी बिल्डिंग कोलैप्स की हुई है उन्हीं के नाम पर। सर, ये बता पाया कि अंदर का कोई आदमी काम तो नहीं कर रहा था, कोई फंसा हुआ तो नहीं है? मजदूर कुछ काम कर रहे थे, 3-4 मजदूर काम कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया है कि कोई फंसने की संभावना से इनकार किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि शायद कोई फंसा नहीं है लेकिन जब तक पूरा मलबा हटा नहीं दिया जाएगा। सर, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा था, वजह क्या लग रही है? कंस्ट्रक्शन के बारे में तो जानकारी नहीं है लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स की गई है। ये हो सकता है कि बिल्डिंग ज़्यादा बन गई हो, लोड संभाल नहीं पा रही हो, इसकी संभावना हो सकती है। रेस्क्यू के तौर पे अभी तक क्या क्या किया गया है? रेस्क्यू की देखें, अब रेस्क्यू के लिए अब JCB वगैरह मंगाया जा रहा है और इसके बाद जो भी कार्रवाई आगे की जाएगी। ठीक है, ठीक। थैंक यू।